अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात को ये इत्तला करना चाह रहा हूँ कि आज AS एकेडमी ने जो एक बच्चों का इवेंट रखा है, ये एक बहुत बड़ी एक काविश है और पिछले कई महीनों और सालों से AS एकेडमी जो है यंगस्टर्स को फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 10 इयर्स एज अप टू 14 और 16 इयर्स के बच्चों को यहाँ पे क्रिकेट की पूरी जो भी टेक्निक्स हैं और प्रोसीजर्स हैं उस पर ये काम कर रहे हैं। आज AS एकेडमी के टूर्नामेंट का फाइनल है और ये जो फाइनल है और ये जो टूर्नामेंट है ये इस वक्त सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन के अंडर हो रहा है और बाकायदगी के साथ AS एकेडमी ने सऊदी क्रिकेट फेडरेशन से परमिशन ली और उसके तहत ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट है और तमाम बच्चे जो हैं अपने लेवल पे अच्छे से अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आज मैच के बाद तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बच्चों को, लेकिन वीकली बेसिस पे इनकी यहाँ पे तरबियत के क्लासेस होती हैं। जो भी टेक्निक्स हैं वो आसिफ शेख साहब हैं जो इसके करते धरते हैं सारे वो करते हैं और माशाल्लाह से इन बच्चों को इन्होंने इस तरह ट्रेन किया है कि इसी AS एकेडमी के 4 से 5 बच्चे जो हैं वो रियाद क्रिकेट लीग में जाकर और रियाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी लीग क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समझ लीजिए कि अचीवमेंट है और इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि तमाम कम्युनिटी के जितने भी चीता चीता लोग हैं जो क्रिकेट के शौकीन भी हैं और क्रिकेट के लवर्स भी हैं वो आगे आए और ऐसे AS एकेडमी को प्रमोट करें, AS एकेडमी को सपोर्ट करें और बच्चों में हौसला अफजाई होती है जब वो अपने सीनियर क्रिकेटर्स को और सीनियर लोगों को देखते हैं। रियाद में ये जो फैसिलिटीज़ है ये फुल्ली आप देख सकते हैं कि कंपाउंडेड एरिया में इन्होंने ये फैसिलिटी बनाई है और माशाल्लाह से जो बच्चों को क्रिकेट में जहाँ से आप बॉलिंग के लिए लें, बैटिंग के बारे में ले लें, फील्डिंग के बारे में ले लें, जो भी चीज़ एक बेहतरीन क्रिकेटर के लिए समझी जाती है वो यहाँ पे AS एकेडमी में फराहम की जा रही है। तो मैं वंस अगेन AS एकेडमी के ओनर और चेयरमैन जनाब आसिफ शेख और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।